हेलो दोस्तों, तो भाई के गैराज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एएमटी की। तो सबसे पहले जानते हैं इस वीडियो को बनाने का जरूरत क्या पड़ा। तो अभी आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत सारी एएमटी कार्स लॉन्च हुई हैं, बहुत सारी एएमटी कार्स चल रही हैं। तो मार्केट में काफी लोग, क्योंकि एएमटी कार्स सस्ती होती हैं और एवरेज भी अच्छा देती है, तो काफी लोग अब एएमटी कार्स को प्रीफर कर रहे हैं। तो आज जानते हैं एएमटी क्या है, कैसे वर्क करता है और इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। सबसे पहले एएमटी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इसका मतलब जो आपका मैनुअल एएमटी जो होता है उसमें आपका मैनुअल पूरा गेयरबॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन की ही तरह रहता है, पूरा ट्रांसमिशन आपका मैनुअल की ही तरह रहता है जैसे आप नॉर्मल यूज करते हैं, बस उसमें क्लच नहीं होता। तो क्लच नहीं होता तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है वो क्लच को ही मैनेज करता है कि कब कितना क्लच देना है, कब कितना नहीं देना। तो इससे आपका जो लेफ्ट लेग है वो फ्री हो जाता है, पहली चीज। और दूसरा चीज, आपको इतना गियर नहीं चेंज करना पड़ता, तो आप काफी फ्री रह सकते हैं। तो अब इसके बाद जो एएमटीज हैं ये दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं सिंगल क्लच और दूसरे होते हैं ड्यूअल क्लच। जो सिंगल क्लच है उसमें आपको काफी, पहले पुरानी गाड़ियों में आते थे, अब तो काफी कम हो गई ऐसी कार जिसमें सिंगल क्लच आता है। और जो सिंगल क्लच है उसमें आपके सारे गियर्स के लिए एक ही क्लच लगा रहता था, बट जो ड्यूअल क्लच है उसमें आपके इवन गियर्स के लिए अलग क्लच लगा है, ऑड गियर्स के लिए अलग क्लच लगा है। तो इससे जो गियर्स चेंजेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इसके बाद देखते हैं एएमटी जो है आजकल रेसिंग स्पोर्ट्स कार्स में भी एएमटी ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होता है कि मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह ही काम करता है, तो इससे आपको अच्छा एवरेज मिलता है। इसके अलावा आपको काफ़ी हैसल फ्री हो जाता है ड्राइव करना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बम्पर ट्रैफिक में क्लच दबाए रहते हैं, गियर चेंज रहते हैं बार 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 बार, तो इससे आपको काफ़ी मेंटल प्रेशर भी पड़ता है, आपके हाथ पैर में बहुत, पैर में भी अगर क्लच आपका भारी है तो आपके पैर में भी बहुत दर्द होगा। और अब बात करते हैं इसके नुकसान के, एएमटी के प्रॉब्लम्स क्या क्या है। एएमटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो गियर्स हैं वो स्लोअर स्पीड पे गियर्स उतना अच्छे से चेंज नहीं होते, हाई स्पीड पे तो ठीक है, मगर आप लोअर स्पीड पर रहेंगे तो गियर चेंज होने में काफ़ी दिक्कत होता है। अगर आप मैच्योर ड्राइवर, अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं काफ़ी, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, मगर अगर आप कोई नया नया ड्राइवर है, कोई नया बच्चा भी सीख रहा है, टीनेजर है, वो ड्राइव करना सीख रहा है, तो उसको ड्राइव करने में प्रॉब्लम हो सकता है, स्लोअर गियर्स में काफ़ी स्लगिश हो जाता है। और दूसरा, जो एएमटी वाले इंजन है वो उनका ऑब्वियसली उसमें काफ़ी अलग तरह से गियर बॉक्स वगैरह लगा होगा, काफ़ी उसमें मैनुअल से ऑटोमेटिक बनाने के लिए थोड़ा इंजन पे कंपोनेंट्स और महंगे लगे होंगे, तो इसलिए जो उसका सर्विस चार्ज है वो भी ज़्यादा है और कंपोनेंट अवेलेबिलिटी भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट रिसेंटली टाटा ने अपनी जेस्ट निकाली, जेस्ट का भी एएमटी बहुत अच्छा है और नेक्सॉन का भी एएमटी ठीक ही है, मगर आपको एएमटी गियर बॉक्स के साथ अपने ड्रॉबैक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि एएमटी गियरबॉक्स क्या है और वो कैसे काम करता है। और मैं तो कहूँगा आप एएमटी गियरबॉक्स प्रीफर कीजिए, क्योंकि एएमटी गियरबॉक्स से आपको अच्छा एवरेज मिलता है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह ही लगता है और आपको ट्रैफिक वगैरह में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपसे बोलूँगा कि आप एएमटी गियरबॉक्स को भी एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि इसके जो है ये बाकी ऑटोमेटिक से कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ इसके जो है प्रोज काफ़ी ज़्यादा है कॉन्स के कंपैरिजन में, कॉन्स बहुत ही कम है। तो नॉर्मली लोग, अब तो लोग शिफ्ट कर ही रहे हैं एएमटी गियर बॉक्स पे, आप लोग भी एक बार इसको ट्राई करके देखिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में जानना है, तो अगर मैं बता सकूँगा तो मैं आपको बता दूंगा। और उसके अलावा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।